दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। आज एक बार फिर से हम सीधी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ना इसमें कोई एग्जाम होगा और ना ही इंटरव्यू। NCL में भर्ती निकली है, कोल इंडिया में भर्ती निकली है। 8वीं 10वीं ITI इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी मेल हो या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अप्लाई करने की डेट है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सिंपली स्टेप वाइज आप इस भर्ती पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे कैसे इस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों हमारा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस भर्ती की पूरी जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट है इसमें। 12/1/2019 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। ट्रेड अप्रेंटिस की इसमें पोस्ट निकली है। 8वीं 10वीं इसके बराबर पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ITI की वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर में ट्रेड भी होना अनिवार्य है। NCVT या SCVT इंस्टीट्यूट से। एज की बात की जाए तो मिनिमम 16 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। सैलरी आप नोटिफिकेशन से पूरी रीड कर सकते हो। फीस की बात करें तो आपको इस भर्ती पर फीस भी जमा नहीं करनी है। ओनली मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा, बिना एग्जाम और बिना किसी इंटरव्यू के। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.nclcil.in। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश में है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 दिसंबर 2018 है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 जनवरी 2019 है। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हो, इसका ये नोटिस डिक्लेयर हो गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। यहाँ पर डेट देख सकते हो, 8 दिसंबर 2018 को ये वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। अप्रेंटिस एंगेजमेंट है, यहाँ पर नोटिफिकेशन दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दी गई है। साथ ही साथ पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी यहाँ पर दिया गया है NCL आफ्टर ITI के। यहाँ पर वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए देख सकते हो UR कैटेगरी के लिए 47 वैकेंसीज है। OBC के लिए 13 है, SC के लिए भी 12 वैकेंसीज है, ST के लिए 16 है। PWD के लिए देख सकते हो वैकेंसी दी हुई है, टोटल मिलाकर 6 है इसके लिए। और यहाँ पर टोटल 88 वैकेंसीज वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए निकली है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, मैं डिटेल्स में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 179 वैकेंसीज इसमें निकली है। फीटर के लिए 174 है। तो ग्रांड टोटल देख लेते हैं, यहाँ पर 441 वैकेंसी इसमें निकली है। एक एक वर्ष का इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप उसके बाद क्वालिफिकेशन देख सकते हो, वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए देख सकते हो 8वीं और 7वीं ITI पास होना अनिवार्य है। वेल्डर ट्रेड में NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हो 10th और ITI पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड इसकी होनी चाहिए NCVT या SCVT से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो और अगली पोस्ट दी हुई है फीटर की। फीटर के लिए 10th और ITI पास होना चाहिए। फीटर की ट्रेड होनी अनिवार्य है NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद यहाँ पर ऑल ट्रेड के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो, 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए OBC कैंडिडेट्स के लिए और 45% यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं। कट ऑफ यहाँ से डेट चेक कर सकते हो। आयु की गणना 1/4/2018 से की जाएगी। रिजर्वेशन देख सकते हो PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स में पूरा दिया हुआ है। एज की बात की जाए तो मिनिमम यहाँ पर देख सकते हो, जूम करके दिखा देता हूँ, 16 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष आयु सीमा है। 1/4/2018 से इसकी गणना की जाएगी। आयु में छूट भी देख सकते हो, 5 साल की यहाँ पर SC ST के लिए छूट दी गई है। मैक्सिमम 29 वर्ष तक इसमें आयु होगी और यहाँ पर 3 साल की छूट OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है, इसमें मैक्सिमम 27 वर्ष तक होगी। उसके बाद यहाँ पर PWD कैटेगरी के लिए देख सकते हो 10 साल की इसमें छूट है। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हो SC ST के लिए 15 साल की है और 13 साल की OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले apprenticeship.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसकी NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, NCLCIL.in। इस पर विजिट करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जनरल टर्म एंड कंडीशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। ये हम आपको लाइव भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको इस पर अप्लाई करना है। डिटेल्स में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की भी आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, जो जो यहाँ पर मांगे गए हैं। आपको एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर चाहिए और यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन नहीं कर सकते हो, ना ही कोई प्रिंट आउट
आपको इस पर सेंड करना है। रिसेंट आपको क्लियर कलर फोटोग्राफ चाहिए, सेल्फ सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट और गार्जियन सिग्नेचर चाहिए, ITI मार्कशीट चाहिए, 8वीं या 10वीं मार्कशीट होना अनिवार्य है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए पैन कार्ड इसमें चाहिए, और उसके साथ साथ आप और भी देख सकते हो आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या PWD सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हो फर्स्ट स्टेज में आपको सबसे पहले apprenticeship.gov.in पोर्टल पर विजिट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। जैसे कि मैंने apprenticeship.gov.in का ये पोर्टल ओपन कर लिया, यहाँ पर सेंटर में टैब देख सकते हो अप्रेंटिस की टैब दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की भी टैब दी गई है। जैसे ही मैंने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पूरा फिलअप करना है, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, कैंडिडेट टाइप यहाँ पर आपको डालना है, ITI पास, ITI रिजल्ट अवेटेड, पूरी डिटेल्स इसमें आपको फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम डालना है, यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नेम डालना है, और यहाँ पर आपको जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर फादर या गार्जियन नेम यहाँ पर फिल करना है, मदर्स नेम, आधार कार्ड यहाँ पर नंबर डलेगा, और यहाँ पर पाउस नेम यहाँ पर डलेगा, कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पर येस या नो आपको सेलेक्ट करना है, PWD है या नहीं, एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल ID यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है क्वालिफिकेशन डिटेल की, जो आपको इस सेक्शन में फिल करनी है। सबसे पहले आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10, 12, 8, BCOM, BA किसी भी क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको फिल करने हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर फिल करने हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है, काउंसिल या यूनिवर्सिटी यहाँ पर फिल करनी है, ट्रेड कोर्स, और साथ ही साथ कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स एंड डेट यहाँ पर फिल करनी है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर और ऑब्टेन मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर करने के बाद में आपको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड प्रिफ्रेंस देख सकते हो, ट्रेड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, ट्रेड दी हुई है, यहाँ पर आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फर्स्ट प्रिफ्रेंस, सेकेंड प्रिफ्रेंस, थर्ड प्रिफ्रेंस सभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड करने आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर चूज करने के बाद में आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर देख सकते हो JPG या GIF या PNG 200KB से ज़्यादा इसमें अपलोड नहीं कर सकते हो, 10KB मिनिमम है। उसके बाद यहाँ पर साइज देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर है, 132x170 पिक्सल्स में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं पर अपलोड करना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें DOC, DOCX, PDF, JPG इसमें फाइल अपलोड करनी है, 200KB मैक्सिमम है और मिनिमम है 10KB। यहाँ पर साइज देख सकते हो 15 सेंटीमीटर है, 566x566 पिक्सल्स की आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ की इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, आई हेयर बाय, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिस मैंने फिर से ओपन कर लिया, ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स दी गई है, आपको सभी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद यहाँ पर NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, जैसे कि मैंने NCL की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ पर कैरियर्स की टैब दी गई है सेंटर में, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कैरियर्स की टैब दी गई है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इस टैब पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि PDF में दिया हुआ है। सेकंड स्टेज में NCL CIL.in पोर्टल को ओपन करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की टैब पर क्लिक करना है, जो कि आपको कैरियर टैब के अंतर्गत मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो NCL ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2018-19, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कैरियर का पेज ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओपन हो गया, यहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नंबर पर दिखा रहा है न्यू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2018-19, और ऑनलाइन करने के लिए जो PDF में दिया हुआ है NCL ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एप्लीकेशन पोर्टल, जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो एक न्यू पेज फिर से ओपन हो रहा है, ये पेज ओपन हो गया नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये पोर्टल है, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस फीटर वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिशियन, ऑनलाइन आवेदन ट्रेड अप्रेंटिस हेतु फीटर वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिशियन, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसके अंतर्गत आता है फीटर वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर आपको ट्रेड चुननी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल, रिलीजन यहाँ आपको हिंदू, इस्लाम, सिख,
क्रिश्चियन, अदर्स, कोई भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कास्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करनी है जनरल्स, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम या गार्जियंस नेम। उसके बाद यहाँ पर क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग है, यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। जन्म तिथि यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मूल निवासी आप कहाँ के हो, यूपी, एमपी कहाँ से हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है। सिटी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करना है। विलेज यहाँ पर, पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। पत्राचार, हाउस नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ग्राम, मंडल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, जैसे कि आईटीआई, नेम ऑफ एड्रेस यहाँ पर, इंस्टीट्यूट का आईटीआई कोर्स स्टार्ट डेट यहाँ पर और एंड डेट यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आईटीआई पासिंग ईयर्स लिखना है। यहाँ पर आईटीआई अभ्यर्थी द्वारा आईटीआई में प्राप्त कुल अंक यहाँ पर फिल करने हैं और आईटीआई में सभी विषयों का कुल अंक यहाँ पर फिल करना है। परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, जिस बॉक्स पर रेड स्टार दिया हुआ है इस बॉक्स को आपको रिक्वायर्ड है फिल करना। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक एड्रेस, आईएफएससी कोड, पैन नंबर, आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपको यहाँ पर फोटो एवं दस्तावेज अपलोड करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पेरेंट या गार्जियन सिग्नेचर, डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अलग अलग डिटेल्स मांगी गई है। यहाँ पर फोटोग्राफ्स करने हैं, कलर अपलोड, यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करने हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। यहाँ पर चूज फाइल करके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो और डिटेल्स मांगी गई है। यहाँ पर आपको आईटीआई मार्कशीट अपलोड करनी है, आठवीं या दसवीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, पैन कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं जो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थान फिलअप करना है और लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन रंग की सबमिट फॉर्म की टैब यहाँ पर दी गई है। इस टैब पर आपको क्लिक करके पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे आप इस पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करके दिखाई दी है। ऐसे आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने और सिंपली अप्लाई ऑनलाइन करना है। अदर टर्म एंड कंडीशंस भी यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने से पहले आपको ये टर्म एंड कंडीशंस पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इनको पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर डेट देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10/12/2018 और लास्ट डेट 12/1/2019 है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 07805266961 या 267736। फैक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है 267736। उसके बाद यहाँ पर आप और भी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुँचने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अप्रेंटिस का पोर्टल यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। एनसीएल पोर्टल पर भी आप यहाँ से विजिट डायरेक्टली कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।